हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंटर। फर्स्ट पार्ट में हमने आउटपुट डिवाइस को फ्लो चार्ट के रूप में देखा था और उसमें प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस था जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस था। तो चूंकि हमें प्रिंटर की डिटेल के बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए देख लेते हैं कि प्रिंटर किस तरीके की आउटपुट डिवाइस है और उसके क्या क्या प्रयोग हैं, कौन कौन से प्रिंटर यूज़ होते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसको डेटा और सूचना को किसी कागज़ पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो जिस भी आउटपुट डिवाइस से हमें हार्ड कॉपी मिलती है उसको हम हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। अब हमें इससे आउटपुट डिवाइस ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों के फॉर्म में प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, हम प्रिंटर की गति किस में मापते हैं? कैरेक्टर पर सेकेंड, लाइन पर मिनट और पेजेस पर मिनट। कैरेक्टर पर सेकेंड की विशेषता ये होती है कि आप एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट कर पाते हैं, यानी एक सेकंड में आपका एक कैरेक्टर प्रिंट होगा, वन सेकंड में वन कैरेक्टर। दूसरा है आपका लाइन पर मिनट, यानी वन मिनट में आपकी एक लाइन प्रिंट होगी, वन लाइन, तो वो आपका कहलाएगा लाइन पर मिनट प्रिंटर। अगर आपका एक मिनट में एक पूरा पेज प्रिंट हो रहा है तो आपका कहलाएगा PPM, यानी पेज पर मिनट। किसी प्रिंटर की क्वालिटी, अभी बात की थी हमने गति की, अब बात करेंगे क्वालिटी। तो क्वालिटी को हम DPI में मापते हैं। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। तो आपको तीन चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे कि कैरेक्टर पर सेकंड में क्या होता है, लाइन पर मिनट में क्या होता है, पेजेस पर मिनट में किस तरीके से प्रिंट होता है, क्वालिटी किस में मापते हैं। आइए हम देख लेते हैं आपकी प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पर हमको सबसे पहला दिया हुआ है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है कि यह टाइपराइटर की तरह कार्य करता है और अक्षर छापने के लिए इसमें छोटे छोटे पिन या हैमर्स लगे होते हैं। तो सबसे पहला तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर किस टाइप का होता है। तो टाइपराइटर जैसा होता है, उसमें प्रिंटिंग के लिए हैमर्स लगे होते हैं। ये पिन स्याही से लगी हुई रिबन के बाद पेपर पर प्रहार करते हैं और अक्षर पेपर पर छप जाते हैं। जैसा आपने टाइपराइटर पर देखा होगा कि जो टाइपराइटर पर हैमर लगे होते हैं उसके पीछे एक रिबन लगा होता है, तो रिबन से जैसे ही आपका स्ट्रोक लगता है तो वो कागज़ पर प्रिंट हो जाता है। इसमें आगे दिया हुआ है, ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का एक इमेज दी हुई है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर या एक लाइन प्रिंट कर सकता है, मतलब आप इससे एक पेज नहीं कर सकते। तो एक किस टाइप का है, या तो एक कैरेक्टर प्रिंटर है या लाइन प्रिंटर है, और इससे अच्छी क्वालिटी का प्रिंट हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये प्रिंटर दूसरे प्रिंटर की तुलना में सस्ते भी होते हैं लेकिन आवाज़ अधिक करते हैं। तो इसकी खास विशेषता क्या है कि ये कैरेक्टर पर सेकंड या कैरेक्टर पर मिनट टाइप का है, ये टाइपराइटर जैसा है, और इसमें टाइप करने के लिए आपको हैमर्स लगे होते हैं जो रिबन पर स्ट्रोक मारते हैं जिससे कागज़ प्रिंट हो पाता है। दूसरा दिया हुआ है आपको, इसी में आगे बढ़ेंगे तो बात है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। ये दोनों इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं और बात करेंगे हम इसके आगे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या क्या होता है। तो दिया हुआ है, इसमें प्रिंटर में पिनों की एक पंक्ति होती है जो कागज़ के ऊपरी सिरे पर रिबन से प्रहार करती है। वैसे ही जैसे मैं बताया कि पिन होते हैं वो कागज़ के ऊपरी सिरे पर पिंच करते हैं, जो डॉट्स का समूह एक मैट्रिक्स के रूप में कागज़ पर पड़ता है जिससे प्रिंट हो जाता है या चित्र छप जाता है। इस प्रिंटर को, यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को, हम पिन प्रिंटर भी बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को क्या बोलते हैं, तो इसको हम पिन प्रिंटर भी बोलते हैं। अगला है, यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है। क्या विशेषता है इसकी डॉट मैट्रिक्स की, कि ये एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करेगा और प्रिंटिंग बहुत ही धीमी होगी और आवाज़ ज़्यादा होगी, इसलिए इसका यूज़ कम किया जाता है। आगे दिया हुआ है डेजी व्हील प्रिंटर, ये भी एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उदाहरण है, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है ये। और डेजी व्हील प्रिंटर की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है कि ये व्हील के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये व्हील के फॉर्म में होता है और इसकी छपाई जो है टाइपराइटर की तरह ही होती है और ये हाई रेजोल्यूशन का प्रिंट करता है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये व्हील के फॉर्म में दिख रहा है और इसमें छोटे छोटे हैमर्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू हम प्रिंट कर पाते हैं। ये भी आवाज़ ज़्यादा करता है लेकिन
डॉट मैट्रिक्स की अपेक्षा कम आवाज़ करता है और अच्छी क्वालिटी का प्रिंट इससे हमें प्राप्त हो जाता है। आगे दिया हुआ है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर ये इस तरीके से लाइन प्रिंटर होता है, एक बार में ये एक पूरी लाइन प्रिंट कर देता है। यहाँ से आपका पेज है तो एक बार में ये पूरी लाइन करेगा, दूसरी बार में दूसरी, तीसरी बार में तीसरी, इस तरीके से लाइन प्रिंट करता है। इसलिए इसको लाइन प्रिंटर करते हैं और इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है लेकिन फास्ट काम करता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लाइन प्रिंटर में एक बार में एक लाइन होती है, ये लाइन प्रिंटर का उदाहरण दे रहा है, आपने कई जगह देखा होगा इसको। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर में क्या होता है कि एक ड्रम होता है, ये ड्रम प्रिंटर में दिया हुआ है एक प्रकार के, ये भी लाइन प्रिंटर है। इसमें ये बेलनाकार ड्रम होता है, यहाँ पे बता रहे हैं आपको ये बेलनाकार ड्रम है, ये बेलन है, इसको ड्रम बोलते हैं। इसमें अक्षर उभरे हुए हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ड्रम और कागज़ के बीच में टोनर लगी होती है, टोनर या स्याही बोलते हैं, और जिस स्थान पर कागज़ छपना होता है उस स्थान पर हैमर कागज़ के साथ रिबन पर प्रहार करता है। ये हैमर दिखा रहा है आपको, ये आपका हैमर है तो ये कागज़ पर प्रहार करता है, जैसा कि ये आपका कागज़ फंसा हुआ, ये कागज़ है और ये हैमर है तो ये कागज़ पर प्रहार करता है, और रिबन जो लगा हुआ है ड्रम के अक्षर पर दबाव डालता है जिससे कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। तो कागज़ पर जैसे ही ये हैमर प्रहार डालता है और ये रोलर घूमने लगता है यानी ड्रम, और इस पर ये जो अक्षर छपे हुए हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको ये अक्षर छपे हुए होते हैं, इन पर प्रहार लगने से कागज़ पर छप जाते हैं और कागज़ प्रिंट हो जाता है। अगला दिया हुआ है प्लॉटर। प्लॉटर भी एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, सबसे शुरुआत में ही दिया हुआ है, और इसका उपयोग पूछा जाता है कि प्लॉटर का यूज़ कहाँ होता है। तो प्लॉटर ये दिख रहे हैं आपको, इसका यूज़ मोस्टली जो होता है वो होता है वास्तविक भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र, कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडिड मैन्युफैक्चरिंग आदि में प्लॉटर की यूज़ होता है। प्लॉटर में बहुत बड़ा नक्शा अगर आपको तैयार करना है तो आपको प्लॉटर प्रिंटर का यूज़ करना पड़ेगा। अब प्लॉटर दो टाइप के होते हैं, एक तो दिया हुआ है यहाँ पे ड्रम प्लॉटर और दूसरा दिया हुआ है समतल प्लॉटर। तो ड्रम प्लॉटर में क्या होता है, ड्रम के फॉर्म में होता है और समतल प्लॉटर में एक प्लेट के साइज में होता है। यहाँ पे प्रिंटर का पूरा पार्ट समाप्त हुआ है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ और बहुत ही रोचक जानकारी आपको दी जाएगी कंप्यूटर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।